का स्वागत 2021 की। ये एक ऐसा कॉलेज, ऐसा एग्ज़ाम होगा आपका कि जिसमें 1550 सीट्स पर आप फाइट करेंगे। आप सोचिए कितनी ज़्यादा सीट्स हैं एक ही एग्ज़ाम के तहत आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं उनकी फ़ीस आपको 19,000 रुपये प्रतिवर्ष देनी पड़ेगी, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 58,400, और मैनेजमेंट कोटा जो यानी सेल्फ फाइनेंस के तहत आप जाएंगे तो 1,35,200 रुपये प्रतिवर्ष देनी पड़ेगी। तो ये हमने इसलिए सीधा फीस ही लिख दी है इस टाइटल में, जिससे आपको देखने और समझने में आसानी हो। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप वीडियो देखिए, अगर नहीं अलाउ करता है तो आप इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं, और वरना आप अपना समय मत बर्बाद करिए, कुछ और करिए। और लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने की 7/10/2021 है। कैसे फॉर्म भरेंगे इसकी भी हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसके प्रॉस्पेक्टस को देखते हैं, फिर फॉर्म कहाँ पर मिलेगा उसको देखते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए ये है कहाँ पर, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, यानी ये हिमाचल प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। अब आ जाइए, द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी ये स्टेट गवर्नमेंट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना यहाँ नहीं है। प्रॉस्पेक्टस आप देख सकते हैं, ये बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2021 की बात कर रहा है, फीमेल कैंडिडेट्स ओनली आर एलिजिबल। अब यहाँ पर बाकी बात हमें करनी ही नहीं है, केवल ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। 4 ईयर बीएससी नर्सिंग डिग्री है, और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस इन हिमाचल प्रदेश। सेशन क्या रहेगा आपका, 2021 और 22 रहेगा। अब आ जाइए नीचे, यहाँ पर जो इंट्रेंस आपको देना है, देखिए यहाँ पर जो आपको फीस सबमिट करनी है तो वो आप देख सकते हैं। जनरल ओबीसी देयर सब कैटेगरीज 2,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ ईडब्ल्यूएस बीपीएल एंड आईआरडीपी, और एससी एसटी देयर सब्जेक्ट्स कैटेगरी 1,000 रुपीज़। तो ये हो गया, और इसकी वेबसाइट आपको नीचे मिल जाएगी, ये इसकी वेबसाइट दी गई है, इस पर हम चलेंगे डायरेक्टली। और डेट ऑफ एंट्रेंस जो है इसकी 31 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम होगा, 11 बजे से 1 बजे के बीच में। तो ये हमने शॉर्ट में चीज़ों को देख लिया है। अब आइए आगे, हम जो प्रोसेस पूरी है आपके ऑनलाइन मोड पे है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, 24/9 से शुरू हुआ है, 7/10 यानी 7 अक्टूबर तक ये फॉर्म को आप भरेंगे, उसके बाद 31 को इसका एग्ज़ाम होगा, और बाकी चीज़ें आप एज यूजुअल समझते हैं, रिजल्ट डिक्लेरेशन, मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग, उनके लिए हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमने 1550 सीट्स क्यों कहीं, इसका मतलब समझ लीजिए आप। द डिटेल ऑफ बीएससी नर्सिंग कॉलेज इंस्टीट्यूशंस अलॉन्ग विथ टेंटेटिव सीट्स कैपेसिटी इज एज अंडर, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की आप सबसे पहले समझ लीजिए। तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, जो दो नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें 60-60 सीट्स ही हैं, केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, आप समझ गए होंगे। फिर उसके नीचे यहाँ पर दो कॉलेज ये हो गए, और उसके नीचे आपको सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ द सीट्स इन द कॉलेज इंस्टीट्यूट 60, टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल अंडर द 50% स्टेट कोटा और 50% जो है मैनेजमेंट कोटा, यानी जो ये स्टेट गवर्नमेंट के नहीं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट सारे आपको मिलेंगे, इसमें 60 सीटें तो आपको मिलेंगी, लेकिन उसमें 30 सीटें आपको जो है रैंक यानी स्टेट कोटे से मिल जाएंगी, और बाकी जो 30 सीटें होंगी यानी 50% जो आप मैनेजमेंट कोटे से, जिसके हमने 1,35,000 रुपये की फ़ीस बताई थी उसके थ्रू, और 30 सीट्स जो आपकी होंगी वो 58,200 रुपये के आसपास होंगी, और ऊपर जो हमने दो कॉलेज बताए उनकी फ़ीस 19,000 है। अब आप समझ सकते हैं, ये इस तरीके से आप नीचे देखिए 40 हैं कहीं पर तो 20-20 रहेंगे, यानी 50-50% दोनों का कोटा है। ये टोटल 37 कॉलेज हैं, 37 और प्लस 2 यानी 39 कॉलेजेस यहाँ की बात हो गई, यानी ये जो कॉलेजेस होंगे वो करीब 39 कॉलेज आपके हो गए, किसी में 60, किसी में 20, किसी में 40, ऐसे आपको पूरे सीट्स यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहाँ हम बता दें आपको, यहाँ ऑल इंडिया कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, किसी भी प्रदेश का यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फुलफिल करता है चीज़ें, क्राइटेरिया यहाँ क्लियर लिखा है, नॉन हिमाचली, आप समझ सकते हैं, तो यानी जो हिमाचल के लोग हिमाचली हो गए, जो अदर स्टेट के हो गए और नॉन हिमाचली हो गए, और यहाँ पर लिखा है कि आप बस इंडियन नेशनल होना चाहिए, शुड बी इंडियन नेशनल,
तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, आप जनरल फाइट कर सकते हैं, वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में आता होता है कि एग्ज़ाम कहाँ देने जाएंगे, तो एग्ज़ाम आप देने जाएंगे बिसलपुर, धर्मशाला, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, मंडी, ये हो गए, शिमला, रामपुर, सालोन, नाहन, कुल्लू एंड जो है आपका चंबा, यानी 12 आपको सेंटर मिलेंगे, वो भी हिमाचल प्रदेश में ही मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न में आप देख लीजिए, आपको जो मिलते हैं वो सारे के सारे मिलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अब देखिए यहाँ पर जो है इंग्लिश लैंग्वेज ओनली ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ 2 घंटे आपको जो है पेपर देने के लिए मिलेंगे, और नो नेगेटिव मार्किंग, यानी जो है नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, यानी 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये इसके सब्जेक्ट हो गए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, यानी करंट अफेयर्स, और टोटल 100 क्वेश्चंस, 25-25, यानी सब एक एक नंबर के ही क्वेश्चंस होंगे। तो यानी एग्ज़ाम पैटर्न चीज़ें आपको पता चल गई। और नीचे आप देख लीजिए सिलेबस जो होगा इसका, वो सिलेबस आपका होगा 10+2 स्टैंडर्ड का, यानी इंटरमीडिएट का आपका सिलेबस होगा। सीबीएसई बोर्ड को आप पढ़ लीजिए या हिमाचल बोर्ड को पढ़ लीजिए, वही इसका सिलेबस होगा। अब आ जाइए जो हमने फीस लिखी थी उस फीस के बारे में समझ लेते हैं। वो फीस आपने टाइटल में देखी थी, उसी टाइटल को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आप देख लीजिए, ये पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की, IGMC शिमला की। ये शिमला में है, इसकी देखिए टोटल जो है 19,000 पड़ेगी फर्स्ट ईयर में। फिर यहाँ पर जो सिक्योरिटी मनी आपके 1,000 रुपये है, वो चीज़ आपकी यहाँ से हट जाएगी, तो 18,000 हो गई सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में आपकी 18,500 हो जाएगी। फिर उसके बाद या फोर्थ ईयर में 10,750 रुपये हो जाएगी। हॉस्टल फीस आप देख लीजिए, हॉस्टल फीस आपकी रेंट है 3600, 3,000, और आपके मेस चार्जेस हैं 1500, और ये 500 रुपये। तो ये हॉस्टल फीस आपकी नीचे हो गई, ऊपर आपके अलग अलग चीज़ें हो गई, तो कुछ फंड्स जो हैं आपके हट जाते हैं, इसलिए यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। यानी हॉस्टल सिक्योरिटी ऑफ ₹100, ₹1000 एंड टू बी चार्ज ओनली वंस। तो यानी टोटल आपकी जो फीस बनेगी यहाँ पर 10,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे पूरी बात। नीचे प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात की गई है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट दो तरीके की बात यहाँ पर की जाती है इसमें, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा, और आपको जो है दो तरीके से देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ एक स्टेट कोटा हो गया, तो उसकी हमने बताई थी आपको 58,400 रुपये, और ये 1,35,200 रुपये। ये अलग अलग यहाँ ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस और सभी का अटैचमेंट इसमें प्रोवाइड कराया गया होगा। आप समझ गए होंगे पूरी बात। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट हम टेलीफोन्स नंबर्स आपको दे रहे हैं, ये आप ले सकते हैं, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, एग्ज़ाम, फाइनेंस मिस ऑफिसर्स, कंप्यूटर सेंटर से सभी के यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मोबाइल नंबर यानी फ़ोन नंबर्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से है। ये आप यहाँ इंस्टीट्यूट देख सकते हैं, ये इंस्टीट्यूट बना हुआ है, ऐसी इसकी बिल्डिंग है। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन फॉर BSc, पोस्ट BSc एंड MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021। नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ आप पाएंगे पूरी डिटेल में यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं, सारे लिंक दिए गए हैं, यहाँ प्रॉस्पेक्टस दिए गए हैं, तो ये प्रॉस्पेक्टस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करने में कोई समस्या आपको हो रही तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ पर भी आप सारे ये प्रॉस्पेक्टस पा सकते हैं। तो आइए बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं, जहाँ से फॉर्म भरना है। देखिए ये यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से आपको जाना है, फॉर्म भरना है। तो ये यहाँ पर लिंक ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है, इसे आपको टिक करना है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपको ये नए इंटरफेस पर लेके चला जाएगा। देखिए ये आपका फॉर्म है, यहाँ से आप फॉर्म भर पाएंगे, और ये पूरी डिटेल यहाँ पर देखिए ये चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, मंडी एट न्यूयॉर्क चौक। तो यहाँ आप डिटेल्स में देख सकते हैं, ये यहाँ कोर्सेज दिए गए हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा जिस कोर्स के लिए आप यहाँ पर अप्लीकेशन भर रहे हैं। अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग अप्लीकेशन फॉर द, तो यहाँ ये सेलेक्ट करेंगे MSc, ये BSc नर्सिंग के लिए सबसे ऊपर वाला फॉर्म। तो जैसे हम सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेते हैं मान लीजिए, तो ये देखिए यहाँ पर सेलेक्ट अप्लीकेंट नेम, और यहाँ बाकी जो है अटल
मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर है, ये पूरा हो गया। और यहाँ जो इसका एड्रेस दिया गया है, एप्लीकेंट नेम और फादर्स नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर रजिस्टर कर देंगे, फिर आप यूज़र नेम और पासवर्ड आपका इशू हो जाएगा, उससे आप आगे की तरफ जो है मूव करके पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पूरा क्लियर हो गया होगा, एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पा जाएंगे, बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से वहाँ जाकर आप बाकी डिटेल्स को देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।